आज भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों महिलाएं और पुरुष सिविल लाइन अंबेडकर पार्क में जमा हुए, जहां पर उन्होंने अपनी निम्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, तपती धूप में सभी किसान महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन असली के जिला अध्यक्ष परशुराम शर्मा ने बताया कि मेरा नाम परशुराम शर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक असली। अच्छा, यहाँ पर अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी वैसे तो 23 तारीख को हर महीने की मासिक पंचायत होती है यहाँ जी, लेकिन हमारा मेन आज का जो मुद्दा है वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ चला रहे इस अभियान के दौरान जनपद रामपुर के डीएम एसपी ने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन इस कार्रवाई में एक ही माफिया के खिलाफ की गई है, जबकि बाकी और बहुत से भू माफिया इस रामपुर जनपद में हैं। हमारा कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, जैसे कि सरकारी भूमि पर पॉलिटेक्निक स्कूल के पास ग्राम तासका में 140 बीघे जमीन पर श्रेणी 7 की जमीन है, सरकारी जमीन है, उसमें तालाब था, तालाब को पाट दिया भू माफियाओं ने, और भू माफिया राम निवास, उसका लड़का अखिलेश और कुछ और अन्य उसके साथ जो दमंग लोग गुंडे हैं, उन्होंने तालाब पाट कर सरकारी जमीन के कागजों में हेरा फेरी कर और उस जमीन को कब्जा कर उस जमीन पर मकान बना रहे हैं और उन्हें बेच रहे हैं और उसे क्रय विक्रय। अच्छा, आपकी मांगों को पूरा ना किया गया फिर क्या? हमारी अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम कलेक्ट्रेट को किसान गांव बना देंगे, जैसे 1990 में हमने बनाया था। ये तो आपने कई बार ऐसी जो है ऐसे ही हमने कई बार इस तरह की कही है, लेकिन हम अब अपने गांव गांव में अलग जगह के उन किसानों को जागृत करेंगे। जिस प्रकार से सावाद तहसील के ग्राम घोसीपुरा फकीरगंज में 300 बीघे जमीन एक ही आदमी कब्जे में, भैया नगला में शत्रु संपत्ति कब्जे में है, और सावाद में करी करी लगभग 100 एकड़ जमीन भूदान संपत्ति की भूमाफियाओं के कब्जे में है, वहाँ के किसान उसी जमीन को बटाई में जोत रहे हैं, पेश की जोत रहे हैं, उन लोगों को जागृत करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे प्रशासन से के उन्हीं लोगों को उस जमीन में उनके पट्टे कर दिए जाएं। कितने गांव के किसान आपके कम साथ से कम में? हमारे गांव के, हमारे जनपद रामपुर के कम से कम हमारे साथ 30-35 गांव के किसान ऐसे हमारे साथ में हैं जो भू माफियाओं के अंडर में हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं और उनकी जमीन जबरदस्ती सरकारी जमीन को अपने कब्जे में कर लोगों को बटाई में या पेशगी उठा के जोत रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने साथ में हमारे मिले हुए हैं, कुछ मिल गए हैं, कुछ मिलाने की कोशिश करेंगे। जब हम एक दो महीने में तैयारी करके अपनी और हमें अटैक करेंगे कलेक्ट्रेट पर या धरना लगा के बैठेंगे और किसान गांव बनाएंगे।